नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकुला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड कठुमर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा सुने और देखें, फिर लाइक करें और शेयर करें। ऐसे थोड़ी होती है जिंदगी में, कभी खुशी कभी गम होता है कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। ताली वही बजाते जिनके हाथों में दम होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे आदेश करें। मैं सार्दिक वंदन करता हूँ, मंच पर आसीन वाणी पुत्र को मैं नमन करता हूँ और वरिष्ठतम जो देश के विख्यात गुरु स्वरूप हमारे सोमदत्त व्यास जी, उनके शरणों में अभिनंदन करता हूँ और चार लाइन देता हूँ। मैं गुरु जी के चरणों में चार लाइन, गुरु जी आपको मैं चार लाइन से अपने आप सम्मान देना चाहूंगा कि जिनके आशीषों से पलकर मंच का ध्यान चाहूंगा कि जिनके आशीषों से पलकर कविता वंदन हो जाती है, जिनके आशीषों से पलकर कविता का वंदन हो जाता है, जिनके स्पर्श से बबूल चंदन हो जाता है, शौर्य पराक्रम की धारा जब निकलती है इनकी कविता से। चौथी लाइन पर मैं तालियों को जम चाहूंगा। अगर मैंने मन की बात आपके मन की बात कही कि जिनके स्पर्श से बबूल चंदन हो जाता है, शौर्य के पराक्रम की धारा जब निकलती है इनकी कलम से, तो भारत माता का बेटा अभिनंदन हो जाता है। किसान का बेटा हूं, किसान की धरती, हमारे सभी यहाँ किसान लोग बैठे हुए हैं और उनकी बात ना करूं तो ये बेमानी होगा। मैं चाहूंगा कि मंच का ध्यान नहीं, आप सुने आंखों में किसान ने क्या कहा है। किसान के लिए मैं चार लाइन देना चाहूंगा फिर से कि आंखों में तिरते सपने खेतों में ईमान है, कि आंखों में तिरते सपने खेतों में ईमान है, सबकी भूख मिटाने वाला केवल एक किसान है। मंच का ध्यान चाहूंगा और अगर आपके मन की, या किसान लोग बैठे हुए खेतों में दिन रात काम करने वाले हैं, उनके मन की बात अगर कह रहा हूं तो ताली बजाकर मेरा उत्साह वर्धन करें कि आंखों में तिरते सपने खेतों में ईमान है, सबकी भूख मिटाने वाला केवल एक किसान है। इसकी समरसता के आगे क्या हिंदू क्या मुस्लिम है, कि इसकी समरसता के आगे क्या हिंदू क्या मुस्लिम है, सच्चा राष्ट्र भक्त ये है, धरती का भगवान है, धरती का भगवान है। और इन्हीं ताली, एक बार ताली बजाकर मुझे आदेश कर दे, क्योंकि मैं एक ऐसा गीत बोलना चाहूंगा कि शायद मंच पे वो गीत अकेला और निराला होगा, क्योंकि हमारे प्रदेश की जो मातृभाषा है राजस्थानी भाषा में, मैं ऐसा गीत आपके सामने पेश करूंगा कि अभी पुलवामा में हमारे 40 शहीद, हमारे 40 वीर जो शहीद हुए हैं, उनकी याद में उनकी माता, उनके पिता, उनके छोटे छोटे बच्चे और बहुत सारे ऐसे शहीद थे जिन्होंने अभी अभी नव विवाहित थे, जिनकी शादी नहीं हुई हुई थी। तो देखिए, जब एक पत्नी जिनके हाथों की मेहंदी अभी छूटी नहीं और वो चला जाता है उन्हें छोड़कर, तो वो पत्नी की जो अंतर आत्मा है, अंतर भावना है, इस गीत में मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है। मैं मंच का ध्यान चाहूंगा और अगर मैंने एक सच्ची भाषा में इस बात को कहने की कोशिश की है, बाकी कागज दे दे, एक नवविवाहित पत्नी जो अपने पति के इंतजार में थी, क्या कहती है कि मन घणी सतावे थारी याद, कि मन घणी सतावे थारी याद, नैनणे रो पानी ढणे दिन रात, पिया जी थारी बाट घणी, पिया जी थारी बाट घणी, कि माने घणी सतावे थारी याद, नैनणे रो
पानी ढले दिन रात पिया जी थारी बाटी घनी, पिया जी थारी बाटी घनी। कि हिरदा भीतर आग जड़े जदे कोयल कूक सुनावे और काली काली बादल बैरण नागन सी दस जावे। कि हिरदा भीतर आग जड़े जदे कोयल कूक सुनावे और काली काली बादल बैरण नागन सी दस जावे। इन सावन री मलहार बरसती जो बनरी रसधार पिया जी थारी बाट घनी, पिया जी थारी बाट घनी। और आगे उसकी अंतरात्मा देखे क्या कहती है कि चंदारी सीड़क चांदनी ता तो सूरज लागे। कि गावारी चौपाला मानस सूना सूना झाके थारी आंगन री कचनार सरस्वती जो बनरी रसदार पिया जी थारी बाट घनी, पिया जी थारी बाट घनी। मारे घनी सतावे थारी याद नैनन रो पानी ढले दिन रात पिया जी थारी बाट घनी, पिया जी थारी बाट घनी। जब इस तरह हमारे गांव में किसी का पति परदेश चला गया, देश पे शहीद हो गया हो और एक नई विवाहित पत्नी हो, तो पीछे से गांव में ये परंपरा रहती है, कुछ संस्कृति होती है कि लोग उस पर पता नहीं तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो उस भावना को व्यक्त करने की कोशिश की है कि सूनी 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 सेज पड़ी से मेहंदी निरखे हाथा में, कि सगड़ी सगड़ी रहना जागा नींद कोनी आख्या में। हाँ सुनी सुनी सेज पड़ी से मेहंदी निरखे हाथा में, सगड़ी सगड़ी रहना जागा नींद कोनी आख्या में। मारी पायल री झड़कार सुनावे बिरहण री पुकार पिया जी थारी बाट घनी, पिया जी थारी बाट घनी। माने घनी सतावे थारी याद नैनन रो पानी ढले दिन रात पिया जी थारी बाट घनी, पिया जी थारी बाट घनी। बहुत दिनों बाद इंतजार करते करते इंतहा हो गई, तो जो पत्नी है नायिका है वो अंत में क्या कहती है देखिए। कि नी कोई चिठरी पाती आवे नी सुख दुखरी खबरा, हाँ नी कोई चिठरी पाती आवे नी सुख दुखरी खबरा, छाती धड़के आँखा फरके मन भारी से हो रहा। मारो भी तो पड़ो संसार अजी, मारो रीतो पड़ो संसार, आओ जी मारा परदेसी भरतार। पिया जी थारी बाट घनी, पिया जी थारी बाट घनी। माने घनी सतावे थारी याद नैनन रो पानी ढले दिन रात पिया जी थारी बाट घनी, पिया जी थारी बाट घनी। अभिव्यक्ति के चार लाइन कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा कि पुलवामा में जो भी बातें हुई, मैं पाकिस्तान को समेटने के लिए वीर रस में कवियों ने अनेक अनेक पंक्ति कही है, उन्होंने अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर दी। पानी बहुत बह चुका समझौता इनकार करो, किन्ना को पानी बहुत बह चुका समझौता इनकार करो, दुर्योधन की कूटनीति का मत इतना सत्कार करो। किन्ना को पानी बह चुका समझौता इनकार करो, दुर्योधन की कूटनीति का मत इतना सत्कार करो। विस्तर घात लगाए बैठे मत मंत्रों का जाप करो, और मैं ताली का उद्यम देखना चाहता हूँ कि आशीर्वाद दे मुझे कि विस्तर घात लगाए बैठे मत मंत्रों का जाप करो, और दिल्ली से लाहौर तलक अब नागों का संहार करो, दिल्ली से लाहौर तलक अब नागों का संहार करो। हमारे देश में
बस चार लाइन और कहना चाहूंगा कि देश में जगह जगह भी कुछ दिन पहले बहुत सारे मुद्दे हो गए थे। ये है।